दोस्तों, सड़क पर दौड़ती किसी गाड़ी पर MP 16 लिखा हो तो समझ जाना वह गाड़ी छतरपुर जिला की है। दोस्तों, छतरपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जिला है। इस जिले का गठन 1 नवंबर सन 1956 को नवनिर्मित जिले के रूप में घोषित किया गया था। दोस्तों, छतरपुर जिला के पूर्व में पन्ना जिले से, पश्चिम में टीकमगढ़ जिले से, दक्षिण में दमोह व सागर जिले से तथा उत्तर में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। दोस्तों, छतरपुर जिला कुल 10,863 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए खूबसूरत जिला है। दोस्तों, प्रशासनिक सेवाएं की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि छतरपुर जिला सागर संभाग के अंतर्गत आता है। छतरपुर जिला के अंतर्गत 6 सब डिवीजन, 11 तहसील छतरपुर, राजनगर, लवकुशनगर, गौरीहार, नौगांव, बिजावर, बनाम लहरा, महाराजपुर, बकसवाहा, धुवारा, चंदला, 8 जनपद पंचायत, 3 नगर पालिका और 1210 ग्राम आते हैं। दोस्तों, छतरपुर जिला का प्रशासनिक मुख्यालय छतरपुर शहर में स्थित है। दोस्तों, छतरपुर तक पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा हवाई के जरिए पहुंच सकते हैं। छतरपुर जाने के लिए यदि आपने सड़क मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें कि छतरपुर सड़क मार्ग के माध्यम से अपने आसपास के सभी शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप बस, टैक्सी या अपने निजी साधनों से छतरपुर पर्यटन स्थल की यात्रा पर निकल सकते हैं। वहीं बात करें रेल मार्ग की तो निकटतम रेलवे स्टेशन छतरपुर एवं खजुराहो रेलवे स्टेशन है, जो मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यह दिल्ली, ग्वालियर, आगरा, मथुरा, जम्मू, अमृतसर, मुंबई, बैंगलोर, भोपाल, चेन्नई, गोवा और हैदराबाद जैसे शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यदि आपने हवाई मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें कि छतरपुर का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा खजुराहो है, जो कि छतरपुर से लगभग 44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खजुराहो एयरपोर्ट से छतरपुर जाने के लिए आपको कैब की आवश्यकता होती है। दोस्तों, बात अगर मैन पावर की करें तो 2011 की जनगणना अनुसार छतरपुर की जनसंख्या 1,762,375 है, जिसमें पुरुषों जनसंख्या 9,36,121 तथा महिलाओं की जनसंख्या 8,26,254 है। वहीं इस जिले का लिंगानुपात 883 महिला प्रति 900 पुरुष है, जबकि जनसंख्या घनत्व 203 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है। दोस्तों, धार्मिक परिदृश्य से देखा जाए तो छतरपुर जिला में हिंदू 95.15%, मुसलमान 3.99% तथा बाकी के लोग अन्य धर्म से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, छतरपुर जिला साक्षरता के मामले में धीरे धीरे प्रगति की राह पर बढ़ रहा है। छतरपुर जिला के कुल साक्षरता दर 63.74% है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 72.66% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 53.59% है। दोस्तों, छतरपुर जिले में पढ़ने हेतु कई लाजवाब शिक्षण संस्थान हैं, जिसमें छतरपुर के टॉप स्कूलों में नीर एकेडमी छतरपुर, मारिया माता कॉन्वेंट माध्यमिक विद्यालय छतरपुरम, बैंस सुमती एकेडमी DPS छतरपुर, GSM इंग्लिश विद्यालय छतरपुर, सन्मती विद्या मंदिर पब्लिक विद्यालय छतरपुर, शेमरॉक विब्रांत वर्ल्ड प्ले विद्यालय छतरपुर, महर्षि विद्या मंदिर MVM छतरपुर, केंद्रीय विद्यालय छतरपुर, हायर सेकेंडरी विद्यालय नंबर 2, क्रिश्चियन इंग्लिश विद्यालय, क्राइस्ट ज्योति प्राइमरी स्कूल लवकुशनगर छतरपुर, राधिंत इंग्लिश विद्यालय छतरपुर, ब्राइट फ्यूचर पब्लिक विद्यालय छतरपुर, जबकि कॉलेजों में गवर्नमेंट महाराजा PG कॉलेज, डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी तक्षशिला कॉलेज छतरपुर, मित्तल कॉलेज ऑफ एजुकेशन छतरपुर, गर्ल्स PG कॉलेज छतरपुर, शासकीय BA कॉलेज छतरपुर, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, पंडित मोतीलाल PG लॉ कॉलेज छतरपुर, दक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस छतरपुर, रामदेव कॉलेज ऑफ नर्सिंग छतरपुर आदि यहां के प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं। दोस्तों, छतरपुर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी छतरपुर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं कि वह कौन से पर्यटक स्थल है जिनके बिना छतरपुर का भ्रमण अधूरा है। खजुराहो मंदिर, भीमकुंड मंदिर समूह छतरपुर, रानी जलप्रपात छतरपुर, कुटनी बांध छतरपुर, बेनीसागर जलाशय छतरपुर, रंगवान बांध छतरपुर, हनुमान टोरिया छतरपुर, फूला देवी मंदिर छतरपुर, पीताम्बरा मंदिर छतरपुर, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय छतरपुर, धुबेला झील छतरपुर,
हरदय शाह का महल छतरपुर, महाराजा छत्रसाल की समाधि छतरपुर, शीतलगढ़ी छतरपुर, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर महेवा छतरपुर, शनि मंदिर छतरपुर, पहाड़ी बांध छतरपुर, बिहारी जू मंदिर छतरपुर आदि प्रमुख पर्यटन स्थल है। दोस्तों, यूं तो छतरपुर जिले में आपस में बोलचाल के लिए कई लोकल भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रमुख रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी, सिंधी तथा इस जिले में मुख्यतः बुंदेली भाषा बोली जाती है। दोस्तों, वर्ष 2017 से 2018 के लिए श्रम बल भागीदारी दर 56.31% है तथा इस जिले में आय का मुख्य स्रोत कृषि क्षेत्र से है और प्रति व्यक्ति आय 65,624 रुपए है। दोस्तों, कृषि जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जिले में बहुत उपजाऊ मिट्टी और उन्नत सिंचाई सुविधा है जो इसके कृषि उत्पादों के विकास के लिए उपयुक्त है। इस जिले में मुख्य कृषि उत्पाद गेहूं, चना, अलसी, सरसों, राई, विभिन्न सब्जियां आदि हैं। चूंकि जिले का औद्योगीकरण बहुत कम है, इसलिए जिले में कोई बड़े पैमाने का उद्योग नहीं है, लेकिन इसमें कुछ छोटे पैमाने के उद्योग पाए जाते हैं जो अपने मूल निवासियों को रोजगार की सुविधा प्रदान करता है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से यह जिला ग्रेनाइट से समृद्ध है, इसलिए जिले में कई ग्रेनाइट खनन उद्योग उपलब्ध है। तो दोस्तों, छतरपुर जिला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं तथा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।